हरे कृष्ण एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जाके व्लॉग बना रही हूँ, बहुत दिनों बाद। हमारे जब छुट्टियाँ पड़ी थी उसके अगले दिन ही बनाया था मैंने संडे को, जब हम हरिद्वार गए थे। और आज अब बना रही हूँ क्योंकि आज हम कहीं और जा रहे हैं। तो चलिए व्लॉग में बने रहिए, आपको बताते हैं कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। आज हम इतनी जल्दी उठ गए ना, हम तो नहीं, मैं बहुत जल्दी उठ गई। 5:55 पे मैं उठ चुकी थी, मम्मी ने उठाया क्योंकि हमें जाना था, तो इसलिए हम लोग जल्दी उठ गए। और मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहती रहती है कि तू लेट करती है, तेरी वजह से लेट होता है, कह रही रात से ही तैयार होकर चल जाइयो। तो इतनी लेट तो मैं करती भी नहीं, ऐसी सबको कहती रहती है कि ये बहुत लेट करती है। आज भी मम्मी झाड़ू पोछा मार रही है और मैं तैयार हो रही हूँ, कि फिर बोलेंगे कि तू लेट हो गई, इसलिए तैयार हो जाते पहले। आज की आउटफिट के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ये वाला या फिर ये वाला। दोनों ही मीशो से, मीशो की सुपर में से देख रहे हो, हमारे घर पे हम मीशो से ही मंगाते हैं। तो ये भी एक याला सूट है, ये भी एक याला काफ्तान जैसा कुछ है, पहन के देखती हूँ कौन सा अच्छा लग रहा है फिर वो पहनूंगी। तो ये रहा वो पहला कपड़ा, मतलब ये काफ्तान, जिसमें ना मैं वो लग रही हूँ उड़ती हुई चमगादड़। सेकंड ऑप्शन जो फिर भी अच्छा है। सो गाइस, आई एम रेडी, मैं तैयार हो चुकी हूँ और सबसे पहले मैं ही तैयार हो गई हूँ। और यहाँ पे मेरा भाई मैच देख रहा है, मेरा भाई। आज हम सिर्फ तीन लोग जा रहे हैं, मैं, मम्मी, पापा और मेरा भाई नहीं जा रहा है। दादी भी नहीं जा रही है, ये भी नहीं जा रहा है क्योंकि इसे ना बहुत दिक्कत होती है कार में, एसी चलाओ तो इसकी नाक बंद होने लग जाती है, तो इसलिए ये जा ही नहीं रहा है, ये परेशान हो जाता है, इसलिए हम इसे ले जा भी नहीं रहे ना ये जा रहा है। गाइस, और बालों का समझ नहीं आता कि क्या करूँ क्या ना करूँ, इसीलिए मैंने बाल में बस कल्चर जो भी है ये बांध दिया है। और बस समय हो चुका है, 8 बज गए हैं, मैं तैयार हो चुकी हूँ, पापा भी तैयार हो चुके हैं, मम्मी अभी टाइम ले रही है। अब मैं मम्मी को बोलूंगी कि बहुत टाइम ले रहे हैं, चलो सीखते हैं, बोल ले तैयार हो भाई। और मैं तो ये बताने ही भूल गई कि हम लोग जा कर रहे हैं। तो हम लोग आज जा रहे हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर में, तो जा रहे हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर में। और रास्ता हमें पता नहीं, वो हमें गूगल मैप्स बताएगा, तो चलते हैं। हम सब लोग तैयार हो चुके हैं, तो चलते हैं। और गाइस, आज का है ये मम्मी का OOTD। मम्मी तब से कह रही है कि मेरा OOTD। तो मम्मी ने आज ही पहनी है ब्लू कलर की साड़ी। तो गाइज, हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से और अभी 8:09 हो रहे हैं, तो देखते हैं हम लोग कब तक पहुंचते हैं वहाँ पे। और बस तब तक आप लोग रास्ते की वीडियो देखो। शिव के लाश के वासी धोनी धारो। अब है यहाँ से सीढ़ियाँ चल के, आपको सीढ़ियाँ चल के जानी है। शिव कैलाश के वासी धोनी धारो के राजा, शंकर संकट हरे। टपकेश्वर जो मंदिर है, ये माना जाता है कि जो शिवलिंग है ना, ये अपना आप ही बना है, नेचुरली बना है, किसी ने रखा नहीं है। तो और पहले यहाँ नदी जाया करती थी, तो नदी को ऐसा कुछ करके तब जाके मंदिर बना है वो। शोका अंत न पाया तेरे कैलाशो का अंत न पाया तेरे भोले बाबा अंत तेरे। हमेशा पानी जो है गिरता रहता है, इसलिए यहाँ
नागेश्वर महादेव है। हाँ बताते वीडियो नहीं बनाई बराबर, अगर डर लग रहा था बनाने में। अभी है यहाँ पे एक पानी जैसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पता नहीं अब वो क्या नहाने के लिए कि क्या बनाने, बहुत बहुत कम, ज़्यादा पानी नहीं है, बहुत कम सा ही पानी है। तो काफ़ी सारे लोग नीचे जा रखे हैं, मम्मी यहाँ पे पैर डुबा के बैठी है और कुछ लोग वहाँ पहाड़ में चढ़ गए हैं। और एक जगह यहाँ पे मछलियों का खाना देने वाली भी है, वहाँ पे भी चलेंगे अभी थोड़ी देर। शिव के लाशो के वासी धौड़ी धारो के राजा। गुफा से और वहाँ पे तो फोन का जो कैमरा था वो खराब हो गया था, तो इसलिए कुछ बना ही नहीं पाया। और इतनी खतरनाक गुफा थी ना, मतलब अच्छा लगा बहुत ज़्यादा जाके, बट बहुत ही ऐसी छोटी वाली, वहाँ पे वीडियो बना भी नहीं पाती। बट उसके बाद फिर खुल गया, अभी दिखी नहीं, पता नहीं दिखी इतनी मछलियाँ वहाँ। देखो भाई बहुत सारी मछलियाँ, सांप भी है वहाँ, देखो वो देख रहा, ये देखो ना पत्थर पे, पत्थर पे, अरे इस पत्थर पे वो देखो, ये रहा, देखा। हाँ तो गाइस हम लोग बस मंदिर पूरा देख लिया और अब जा रहे हैं बस अब घर की तरफ। और एक जगह जहाँ थी तो हम टीका लगा रहे थे, तो पंडित जी कह रहे थे कि क्या बोलते हैं, मैं भाग्यवान हूँ बहुत ज़्यादा। उन्होंने कुछ कहा कि पंच हमने शायद तिल देख के कह रहे थे कि क्या था, उन्होंने मुझे कोई समझ आया, उन्होंने कहा कि तुम भाग्यवान हो। अभी हम आ चुके हैं लस्सी पीने, वो मंदिर का सारा हो चुका है, अब लस्सी पी रहे करके देखते हैं कैसी है। ठंडी हो रही है बड़ी, मैं पियो। लस्सी पी के बहुत मजा आ गया, अच्छी हो रही थी, थोड़ी मीठी थी, मैं आजकल थोड़ा मीठा कम खा रही हूँ, तो मीठी थी काफी, पर कोई नहीं, अच्छी थी, ठंडी थी बड़ी। और बहुत टाइम बाद मैंने कुछ ठंडा पिया है, वरना क्योंकि मैं ना ऐसा नॉर्मली पानी पीती हूँ जो आरो से आता है, ठंडा पानी नहीं पीती, तो अब गले में हो ना बस कुछ। और अब हम जा रहे हैं वापस, रास्ते में देखते हैं अगर हमें कहीं और जाना होगा तो वहाँ पे भी जाएंगे। तो मिलते हैं फिर, गाने लगा देती हूँ मैं गाड़ी में, एक ही फोन है ना तो इसलिए इसी से गाने भी लग रहे हैं, इसी से वीडियो भी बनानी पड़ रही है, वीडियो रास्ते की कम हो रही है। मेरी मम्मी इतनी चटोरी है ना, अभी वो इतनी बड़े लस्सी का गिलास पिया रहा, अभी देखना यहाँ। अरे ये फैंटा गिरा भी थी वही गाड़ी में, अरे अभी ये सर्विस करके आई थी, इतनी साफ सुथरी बन के आई थी, इतनी महंगी सर्विस करी, अब दोबारा फैंटा गिरा दी। मुझे गाड़ी में खाना बहुत अच्छा लगता बाबू, गाड़ी को थोड़ा अच्छा लगता है। हमारी गाड़ी नहीं, पेट्रोल, ये जो। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग आज टपकेश्वर मंदिर गए थे, हमें बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी ज़रूर जाइएगा, बताइएगा आपको मंदिर कैसा लगा। और बस तो फिर हम घर आ गए थे, और जो मॉल वाली वीडियो है वो दूसरी बनेगी, तो वो आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। एंड मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैं अब वीडियो डालूँगी, तो मैं किस चीज़ के ऊपर वीडियो डालूँगी वो बता देती हूँ। सो क्योंकि मैं क्लास 12th में हूँ और इसलिए मेरे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं आज से नहीं, मतलब जब भी से वीडियो डालूंगी, तो मैं आजकल अब पढ़ाई वाली वीडियो डालने वाली हूँ कि मैं कैसा पढ़ रही हूँ, मैं कैसा वो कर रही हूँ, कैसा कुछ भी कर रही हूँ। सो मैं आपके साथ अपनी 12th की जर्नी शेयर करूँगी, आप लोग मेरी जर्नी ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपको पसंद आनी चाहिए, और मुझे बताते रहिएगा जो भी मैं गलत करी हूँ, अगर जो भी कुछ सही करने के लिए होगा। सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, एक स्टडी ब्लॉग या फिर क्या पता स्टडी ब्लॉग से पहले कुछ और आ जाए, कुछ नहीं पता। तो आपसे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए मेरे चैनल। धन्यवाद, शुभ रात्रि, राधे राधे।